हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक केक की नया डिज़ाइन लेके आ गया। तो हम आप लोगों के साथ केक की आइसिंग लेकर डिज़ाइन तक फुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, और वीडियो पे नए हैं तो आई मीन चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आप लोगों के पास। तो सबसे पहले मैं इधर चॉकलेट स्पॉन्ज बना के रखी थी, बना ली थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक, तो इसलिए मैं चॉकलेट स्पॉन्ज बना के रखी थी। और फिर उसके बाद मैं उसको 3 लेयर में कट कर लिया। कट करने के बाद मैं राउंड टेबल के ऊपर इस तरीके से एक लेयर दे के, लेयर देने के बाद मैं इधर शुगर सिरप से अच्छी तरह से स्पॉन्ज को सोक किया। सोक करने के बाद मैं क्रीम दे दिया, और एक चॉकलेट क्रीम है, क्रीम के साथ मैं चॉकलेट ऐड किया हूँ, चॉकलेट की गनास। तो इस तरीके से चॉकलेट वाला क्रीम हमारा बन के रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद क्रीम देने के बाद मैं थोड़ा चॉको चिप्स डाल दिया। चॉको चिप्स डालने के बाद मैं सेकंड लेयर दिया, और सेकंड लेयर देने के बाद मैं पहले साइड से कवर कर लिया। कवर करने के बाद मैं इधर शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। और ये टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि चॉकलेट स्पॉन्ज हमेशा ज़्यादा सोक करना चाहिए। वेनिला स्पॉन्ज की तरह चॉकलेट स्पॉन्ज नॉर्मल नहीं होता है, चॉकलेट स्पॉन्ज में पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि चॉकलेट स्पॉन्ज थोड़ा पानी ज़्यादा टान लेता है, तो बाद में नहीं तो ये ड्राई लगता है, तो इसलिए अच्छी तरह से सोक करना है। फिर सोक करने के बाद इधर क्रीम देके मैं फिर से चॉको चिप्स डाल दिया। चॉको चिप्स डालने के बाद मैं थर्ड लेयर दिया, और थर्ड लेयर देने के बाद मैं फिर से पहले साइड्स को कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद मैं इधर जो है ना स्पॉन्ज को मैं शुगर सिरप से सोक कर लूँगी, क्योंकि नहीं तो इसमें स्पॉन्ज हमारा ऊंचा नीचा हो जाएगा। अगर मैं पहले साइड कवर ना करूँ, पहले ऊपर से शुगर सिरप से सोक करूँ, तो स्पॉन्ज हमारा इधर उधर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो बाद में जब फिनिशिंग लाएगा ना तो तब दिक्कत होगा, और अच्छा खासा फिनिशिंग भी नहीं आएगा। तो इसलिए पहले साइड को कवर करना है, फिर ऊपर को शुगर सिरप से सोक करना है। तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं इसका सोक करने के बाद शुगर सिरप से थर्ड लेयर, फिर क्रीम देके अच्छा खासा इसका क्रम कटिंग कर लूँगी। और क्रम कटिंग करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग आधा घंटा के लिए, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी क्रीम को थोड़ा सेट होने तक। और अगर आप लोगों के पास टाइम रहे तो आप लोग ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो, 30 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दी थी, और फ्रिज से निकाल के मैं इसका जो परफेक्ट आइसिंग होता है कर लूँगी। तो अब मैं क्रीम के साथ ब्लू कलर ऐड किया हूँ, और मैं डार्क ब्लू कलर नहीं दिया हूँ, जस्ट लाइट कलर दिया हूँ। और केक की आइसिंग तभी परफेक्ट होती है जब क्रीम परफेक्ट बनती है तभी। तो हम लोगों को सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना है और परफेक्ट क्रीम बनाना है, तभी केक की आइसिंग परफेक्ट हो पाएगी। अगर क्रीमी हमारा परफेक्ट नहीं हुआ तो परफेक्ट आइसिंग कभी भी हमारा नहीं बनेगी। तो क्रीम को परफेक्ट बनाना है पहले, फिर उसके बाद केक की आइसिंग परफेक्ट हमारा बन जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं पहले क्रीम दे दिया, देने के बाद जहाँ जहाँ मेरा क्रीम थोड़ा कम लग रही है, मैं उसी पर इसमें उस जगह पर थोड़ा और भी क्रीम दे के मैं इसका अच्छा खासा फिनिशिंग जो होता है वो कर लूँगी। तो पहले मैं साइड से कर रही हूँ, इधर आप लोग देख ही रही हो, फिर ऊपर से करूँगी। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी एक बार या दो बार में केक की आइसिंग नहीं हो पाता परफेक्ट, 2-3 बार तो करना ही पड़ता है। तो आप लोग देख ही सकते हो, मेरा लगभग 4 से 5 बार तो हो ही चुका है, पहले साइड किया, फिर ऊपर किया, फिर साइड किया, फिर ऊपर किया, इस तरीके से करना है। और जहाँ जहाँ मेरा क्रीम थोड़ा कम लग रही है वहीं पर मैं क्रीम और एक बार दे के फिर से कर रही हूँ। तो इस टाइप के करते करते एक बार से हो जाता है परफेक्ट। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छी तरह से। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि केक की आइसिंग परफेक्ट करने के लिए केक की क्रीम परफेक्ट बनाना है। और अब तो गर्मियों के दिन में क्रीम तो थोड़ा ही गल जाता है थोड़ी में टाइम में। तो अगर आप लोगों को परफेक्ट कैसे क्रीम बनाना है तो उसका वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। तो केक की आइसिंग तो मैंने कर लिया हूँ परफेक्ट आइसिंग, और मुझे साइड में ड्रिपिंग देना है। तो मैं चॉकलेट की गनास बना के रखी थी, और थोड़ा ही चॉकलेट थे क्योंकि मैं और एक केक बनाया, तो उसी गनास से मैं पाइपिंग बैग को भर लिया। भरने के बाद मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ड्रिपिंग देते जाऊँगी, तो आप लोग देख ही सकते हो। और ड्रिपिंग देना है तो आप लोग हमेशा ये कर सकते हो कि पाइपिंग बैग में भर के गनास को दो,
तो ड्रिपिंग मेरा कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब रहेगा डिज़ाइन। तो मैं क्रीम के साथ ब्लू कलर ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमेशा तो हम लोग N1 नोजल से रोज़ी बनाता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नया डिज़ाइन शेयर किया। कुछ नहीं, बस एक बार राउंड घुमा के उसके ऊपर और एक बार राउंड घुमाना है, फिर छोड़ना है। तो फिर इस तरीक़े से हमारा जो फ्लावर्स है बन के रेडी हो जाएगा, और ये बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर्स बन के रेडी हो गया हमारा। तो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत सुंदर और खूबसूरत सा केक दिख रही है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो मैं क्रीम के साथ ब्लू कलर नहीं ऐड किया, बस कलर को मैं पाइपिंग बैग में लिया हूँ, फिर उसके बाद व्हाइट क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया, और जो कलर कॉम्बिनेशन आया हमारा वो बहुत ही मस्त और खूबसूरत सा दिख रही है। अब आता है केक के नीचे के साइड जो बॉर्डर बनता है, बस कुछ ही नहीं, उसी क्रीम और उसी नोजल से इस तरीक़े से मैं कुछ नहीं करना है, बस पाइपिंग बैग को प्रेस करके छोड़ना है। तो बस हमारा सुंदर सा यूनिक सा केक बन के रेडी हो गया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना आज का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।